Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great and are safe. And for everyone who's new here, I'm Tanvi. I make videos related to everything that's happening around my life. Also, here is Nawab. Nawab, say hi. He's a little messy abhi. And before I commence the video, I would request each one of you to please like, comment, share and subscribe to my channel if in case you haven't. And now the main part, video kis liye ban rahi hai. So yes, I've got my visa approval. I was in the process of Canadian spousal PR immigration and I have successfully got my passport request. So aaj hum log passport request ke baad aane wale steps sare discuss karne wale hain. Let's start with the video. So sabse pehle to I would like to congratulate, agar aap ye video dekh rahe ho, that definitely means ki आपकी भी पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ चुकी है. एंड अब आप कंफ्यूज्ड हो कि क्या कोई प्रोसेस फॉलो करना आफ्टर पासपोर्ट रिक्वेस्ट. सो सबसे पहला जो स्टेप होता है पासपोर्ट रिक्वेस्ट आने के बाद, वो होता है वेब फॉर्म फिल करना. अब ये वेब फॉर्म कब कहाँ कैसे अवेलेबल है, अभी के लिए आई एम गोइंग टू पुट इट इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. अपार्ट फ्रॉम इट, आप बड़ी सिंपली गूगल कर सकते हो वेब फॉर्म फॉर पासपोर्ट सबमिशन और वहाँ पे वेब फॉर्म मिल जाएगा. अब अपने अपने वेब फॉर्म में आपको कुछ डिटेल्स पुट करनी है, जैसे कि आपने जो डिटेल्स पुट करनी है वो है आपका नेम, एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, एक अल्टरनेटिव नंबर. एड्रेस दो पुट करने हैं, एक पिकअप एड्रेस और एक ड्रॉप एड्रेस. अब मेरे केस में दोनों एड्रेसेस सेम थे तो इसलिए मैंने दोनों एड्रेसेस सेम पुट करे हैं. अब वेब फॉर्म फिल करने के साथ साथ आपको दो अटैचमेंट्स भी ऐड करनी है अपने इस फॉर्म में. वो है, एक तो अगर आपने प्रीमियम सर्विसेज ली हैं तो आपने वहाँ की रिसिप्ट ऐड करनी है, पीडीएफ अपलोड करनी है. इसके अलावा आपको अपना पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर भी अपलोड करना है इस वेब फॉर्म के साथ. अब अनदर पार्ट, वंस यू आर डन विद योर वेब फॉर्म, आपका जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो है पेमेंट लिंक. पेमेंट लिंक आएगा आपको 24 आवर्स के बाद. और पेमेंट लिंक आने के बाद कभी कभी क्या होता है कि मल्टीपल पेमेंट लिंक्स आ जाते हैं, तो उससे घबराना नहीं है. आप किसी भी एक पेमेंट लिंक पर अपनी पेमेंट फिल करोगे तो दैट इज गोइंग टू गेट सबमिटेड टू द VFS. अब पेमेंट लिंक, पेमेंट कैसे करनी है, तो पेमेंट मेरे केस में इट वॉज 1048 की ही पेमेंट होती है. एंड आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग हेयर अबाउट स्पाउसल PR केसेस. तो जब मैंने पेमेंट करी, पेमेंट करने के बहुत सारे मोड्स हैं, तो जैसे आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, UPI यूज़ कर सकते हो, बट कैश पेमेंट नहीं होती. आपने जैसे ही पेमेंट करी है तो वहाँ पे अगेन इट टेक्स 24 आवर्स फॉर द VFS टू वेरीफाई कि आपकी पेमेंट उनके पास पहुँची है या नहीं पहुँची. नेक्स्ट अब जो स्टेप है वो आता है आपका AWB नंबर, विच इज़ एन एयरवे नंबर. तो आपको वो नंबर होना आपके पास ज़रूरी है, क्योंकि जो आपने कुरियर रेडी करना है वो उस कुरियर पे वो नंबर पुट होगा ही होगा. अगेन इस ईमेल के साथ, जो लास्ट वाली ईमेल है जिसमें आपका AWB नंबर आएगा, उसमें आपको दो फॉर्म्स आएंगे, एक होगा कंसेंट फॉर्म और एक होगा कुरियर फॉर्म. वो आपको हैंड रिटन ही फिल करना, देयर इज नो नीड टू गो एंड प्रिंट इट आउट. अब वील मूव टू द कुरियर पार्ट, कुरियर में क्या क्या रेडी करना है, कौन कौन सी चीज़ों से कुरियर प्रिपेयर करना है. सो अब कुरियर में क्या क्या डालना है, दिस इज हाउ माई कुरियर लुक्स. और इसको अच्छे से टेप से आपने सील भी करना है. इसमें सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें डालना, स्पेसिफिकली मेल में मेंशन्ड है कि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पुट नहीं करना. नाउ व्हाट आर द नेसेसरी थिंग्स दैट आर पुट इन हेयर इज, नंबर वन योर ओरिजिनल पासपोर्ट, नंबर टू योर पासपोर्ट कॉपी, नंबर थ्री योर कैनेडियन PR साइज फोटोग्राफ, उसकी भी जो स्पेसिफिकेशंस आई विल शेयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, नंबर फोर इज योर कंसेंट फॉर्म, नंबर फाइव इज योर कुरियर फॉर्म, नंबर सिक्स इज योर पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर. अब PR वालों के लिए देयर इज अनदर डिटेल दैट हैज टू बी एडेड. अब वो डिटेल क्या है कि आपको अपना राइट आई कलर और अपना लेफ्ट आई कलर प्लस अपनी हाइट एक वाइट ब्लैंक पेपर पे आप लिख के इसमें ऐड कर सकते हैं, दैट इज टोटली एक्सेप्टेबल. अब योर कुरियर कैन बी पिक्ड अप एनी टाइम, AWB ईमेल आने के बाद ही आप प्रिपेयर करके रख दो अपना कुरियर. 3 to 5 वर्किंग डेज में दे से दैट इट इज पिक्ड अप.
and working days are only counted, weekends aren't counted. Courier ko prepare kaise karna hai to the VFS Global and I'm hiding my AWB number, but aap apna AWB number bhi is pe likh dena. और मैंने नीचे फ्रॉम तन्वी और अपना एड्रेस और अपना ईमेल एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर, अपना एप्लीकेशन नंबर भी लिख दिया है, जस्ट टू मेक श्योर कि एवरीथिंग गोज स्मूथ. दैट्स ऑल यू हैव टू डू फॉर योर पासपोर्ट रिक्वेस्ट. आई होप ये वाली वीडियो काफ़ी क्लियर रही है एंड इट हेल्प्स ईच वन ऑफ यू जो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं. एंड यू कैन डेफिनेटली शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स.